गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय मित्रों, आज हम लोग त आंकड़े का प्रयोग करना सीखेंगे। उससे पहले बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग ने स आंकड़े का प्रयोग करना सीखे थे, सेम उसी पैटर्न पर आज हम लोग त आंकड़े का प्रयोग करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सबचिन को याद किए थे। सबचिन का हमने एक वीडियो पूरा, जितने भी बुक में सबचिन दिए उसका बना दिया था और एक रिकॉर्डिंग दे दिया था। लेकिन आप लोगों को कुछ कठिनाई हो रही होगी, हम समझ पा रहे हैं सबचिन को याद करने में, क्योंकि जब हम भी अपने टाइम में सीखते थे तो उस समय हमें भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन यदि आप समझिए कि एक मंथ तक कठिनाई होगी, दो मंथ तक होगी स्टेनो सीखने में, तीन मंथ तक होगी मान के चलते हैं, छह मंथ तक होगी मान के चलिए, छह मंथ तक यदि आप कठिनाई से सीख लेते हैं और आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो इससे बड़ी चीज दुनिया में आज के डेट में कोई भी नहीं है। ठीक है, छह मंथ का अगर आप मतलब मेहनत आपको यदि सरकारी नौकरी दिलाता है तो इसका कीमत आप किसी चीज से नहीं आंक सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, सब चीज याद करना है। कैसे याद करना है उसका भी तरीका आपको बताया था कि रोज सुबह में जगना है और कान में हेडफोन लगाना है और लिखना शुरू कर देना है सब चीज को। कितना आप लिख पाते हैं उसके बाद जज करिए कौन कौन सा वर्ड हमें याद नहीं है, फिर कल उठ के उसको लिखना है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दस दिन ऐसे जब करिएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। एक भी शब्द नहीं ऐसे रहेंगे जो आपको याद न हो। ठीक है, आइए हम लोग त आंकड़े का प्रयोग करना कैसे प्रयोग करेंगे इसको सीखते हैं। क्या है त आंकड़े? त आंकड़े का प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। बताने से पहले आपको बता दें कि हम लोग स के लिए क्या यूज किए थे, छोटा सा एक सर्किल बनाते थे और इसी से स को डिनोट करते थे, इसी से हम लोग स को पढ़ते थे, स आंकड़ा ऐसे लगाते थे। अब त के लिए क्या करना है, आपको एक हुक लगाना है। कैसे? किसी भी व्यंजन के लास्ट में ऐसे घुमा देंगे, इसी हुक को हम लोग पढ़ेंगे त आंकड़ा। ठीक है, इसी हुक को हम लोग पढ़ेंगे त आंकड़ा। कैसे? ये आप हुक को याद करके रखना है कि त का यूज इसी हुक से करते हैं, बंसी के आकार के आपको रहेगा। अब आते हैं कि स आंकड़े का प्रयोग कहां कहां करते थे हम लोग। तो किसी भी व्यंजन के शुरू में, अंत में, बीच में, ठीक है, तीन जगह हम लोग प्रयोग करते थे स आंकड़ा का, एक शुरू में, एक अंत में और एक बीच में। ठीक है, कैसे? जैसे हमको लिखना था क्या, सम, तो कैसे लिखते थे, स और म, तो शुरू में लग गया। अंत में लिखना है तो कैसे, म और स, मस हो गया। बीच में लिखना है तो कैसे, म स म, मसम। ये हम लोग स आंकड़े में पढ़ते थे। इसका उपयोग कहां होता था, तीन जगह पे। लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि त आंकड़ा का प्रयोग हम लोग दो ही जगह पर करेंगे। ठीक है, कैसे, सॉरी, कहां पे करेंगे दो जगह पर, तो अंत में और बीच में, अंत में और बीच में। शुरू में हमको त आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब शुरू में यदि त आंकड़ा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखना है तक, तब, तो हमको जैसे लिखना है तक, तो शुरू में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, त आंकड़ा का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग पूरा त लिखेंगे और क लिखेंगे, तो पढ़ेंगे तक। ठीक है, शुरू में आ जाए तो पूरा त लिखना है, जैसे त हम लोग लिखते हैं वैसे त लिखना है और क जो व्यंजन लिखते हैं वैसे लिखना है, आंकड़ा का प्रयोग नहीं होगा। यदि यही अंत में आ जाए, बीच में आ जाए, तो त आंकड़े का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात किए थे स में कि हमारे पास चार कैटेगरी के व्यंजन होते हैं। एक व्यंजन जिनका डायरेक्शन 180 पर होता है, जैसे क वर्ग। एक व्यंजन जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, एक व्यंजन जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, और एक और लास्ट कौन, जो वक्राकार होते हैं, जैसे म, न, स, ल, ऐसे र। ठीक है, अब उसमें कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग आप देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला, क्या, जिसका डायरेक्शन 180 पर हो, 180 पर होगा तो क्या हो जाएगा आपका, कवर।
इसका डायरेक्शन कैसे होता है 180 पर ऐसे। तो इसमें हम लोग 100 वाले में क्या करते थे, इसके ऊपर वाले साइड में स का यूज करते थे, स आंकड़ा का प्रयोग करते थे। कहा तो ऊपर में, ठीक है, ऊपर में हम लोग स आंकड़ा का यूज करते थे। कैसे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कस, तो क लिखते थे या इसी में स लगाते थे ऊपर साइड। उसी प्रकार से आपको, उसी प्रकार से आपको यहां पर क्या करना है, त आंकड़ा का प्रयोग करना है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कत, तो क्या करेंगे, क लिखे और त लगा दिए। ये जो हुक लगा दिए इसका मतलब क्या है, त है, और डायरेक्शन आपको यहां से ऊपर में, तो क्या हो गया कत, ठीक है। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, ख और त, खत, ग और त, गत, घ और त, घत। ये कहां लग रहा है, अंत में लग रहा है, ठीक है, सबके अंत में लग रहा है ना। अब इसको अगर हमको बीच में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो बीच में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, इसको सीखते हैं। यहां पे कैसे सीखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है क लिखे त और फिर र, तो क्या बन गया, कतर। क लिखे त लिखे और फिर म लिखे, तो खत्म, या फिर इसको ख लिख दीजिए तो हो गया आपका खत्म, ठीक है। जबरदस्ती नहीं लगाना है, जिसमें सूट करे उसी में यूज करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना है क त और व लगाना हो, तो व का तो डायरेक्शन ऐसे होता है, ऐसे इसमें कैसे हम लोग लगा पाएंगे, ऐसे अगर लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, और घोंच पोंच यहां दिखेगा, ठीक है। तो जहां लगे वहीं पे लगाएंगे, जबरदस्ती यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हमको लिखना है ग त र, र तो लग जा रहा है, ठीक है, सूट कर रहा है, तो आराम से लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे अंत में और फिर आपको बीच में, त आंकड़ा जिसमें 180 पर है ऊपर वाले साइड में, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड की बात करें, सेकेंड में क्या आता है, जिसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर हो, वह व्यंजन जिसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर हो, उसमें हम लोग कहां लगाते थे, तो बायां साइड में, ठीक है, बायां साइड में। तो नीचे से ऊपर जाने वाला व्यंजन कौन कौन है आपके पास, तो सबसे पहले तो र, ठीक है, उसके बाद आपका य, व, ह, ये सब चीज का क्या है, डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो कहां लगेगा, तो इसके बायां साइड में रहेगा। जैसे हमको लिखना है रत, तो कैसे लिखेंगे, र लिखेंगे और इसी में त लगाएंगे, तो बन गया आपका रत, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ई कहां हो गया, आपका लग रहा है अंत में। यदि बीच में लगाना हो, बीच में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, र लिखे फिर त लिखे फिर र लिखे, रतन। यदि हमको रतन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, र लिखे फिर त लिखे और फिर म लिखे और काट दिए तो बन गया न, तो क्या हो गया रतन, र त और न, रतन, ठीक है। तो एक लगाए हम अंत में और एक बीच में, ठीक। अब य की बात करते हैं, तो य का कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे य, या इसी में त लगा दिए, क्या बन गया यत। उसी प्रकार से य त और र, तो क्या बन गया यतर, यतन लिखना हो तो या लिखेंगे त और फिर म लिख के काट दिए तो बन गया न, यतन, ठीक है। अब वा में कैसे यूज करेंगे, तो वा के लिए क्या करेंगे, वा लिखे और इसी में त लगा दिए तो क्या बन गया वत, वतर, तो वा लिखे और त और फिर र लगा दिए तो बन गया आपका वतर, ठीक है। वा लिखे और त लिखे और म लिख कर काट दिए तो न बन गया, तो क्या हो गया व त और न वतन, ठीक है। ह लिखना है
तो हा लिखे और त लिखे तो क्या बन गया, हत। ह त र हतर, ह त और न हतन। ठीक है, ऐसा ही हम लोग त का उपयोग करेंगे अंत में और फिर बीच में। इसमें मेन चीज आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है, जिधर साइड में हम लोग स का उपयोग करते थे उसी साइड में हम लोग त का भी उपयोग करेंगे, त आंकड़े का यूज करेंगे। अब तीसरा नंबर आता क्या है, वह व्यंजन जिसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो, जिसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो, उसमें हम लोग दाया साइड में आपका त आंकड़े का प्रयोग करेंगे। अब व्यंजन याद करिए जो ऊपर से नीचे की ओर आता हो, तो कौन हो जाएगा आपका, च हो जाएगा, त हो जाएगा, प हो जाएगा। चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, माने पवर्ग कहने का मतलब प फ ब भ सब कुछ आ जाएगा इसमें। ट माने टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ कुछ भी ले लीजिए, चवर्ग माने च छ ज झ कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, इसमें कैसे यूज करेंगे, इसमें हम लोग को दाया साइड में लगाना है। मान लीजिए आपको लिखना है चत, कैसे लिखेंगे, च लिखे और फिर इसमें त लगा दीजिए, तो हो गया आपका चत। ठीक है, छत लिखना है तो छ लिखे और त लगा दिए तो बन गया छत। जत लिखना है तो ज लिखे और त लगा दी तो हो गया जत। ठीक है, यदि इसमें ये तो अंत में लगा, बीच में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, च लिखे त लिखे फिर च लिखे, छ लिखे फिर त लिखे फिर छ लिखे, च लिखे त लिखे न लिखे, फिर इसमें आप च लिखे त लिखे र लिखे चतर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब ट का देख लेते हैं, ट लिखे और फिर इसमें त लगाए तट, थट। ठीक है, अब ये तो आपका अंत में लग रहा है, यदि हमको बीच में लगाना हो तो कैसे लिखेंगे, ट त ट ठ त ठ ट त र ट त न। ठीक है, ये आपका बीच में लग रहा है। अब प में देखेंगे तो प लिखे त पत, फ त फत, प त प पतप, फ त प फतप, फ त र फतप। ठीक, इसमें आपको केवल डायरेक्शन ध्यान रखना है कि जैसे स का हम लोग यूज करते थे जो ऊपर से नीचे आता था उसमें दायां साइड में, सेम प्रोसेस आपको इसमें अप्लाई करना है। आइए चौथा क्या है, चार नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, वक्र वाले व्यंजन। वक्र वाले में कौन कौन आते हैं आपका, म न ल ई वाला र फिर स, ये सब वक्र वाले व्यंजन है। ठीक है, वक्र वाले में जिधर घूमे उधर लगा देना है। कैसे हम लोग स में पढ़े थे कि जैसे हमको मस लिखना था तो म लिखे और जिधर घूम रहा है उधर घुमा देंगे तो हो जाएगा आपका मस। नस लिखना था तो ना लिखे या जिधर घूमे उधर स लगा देते तो हो जाता था आपका नस। उसी प्रकार से त का भी उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे लिखना है हमको मत तो कैसे लिखेंगे, म और जिधर घूमे उधर घुमा देना है तो ये हो गया आपका मत। लेकिन सावधान, ये सब तीन चीजें में तो आपका ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वक्र वाले में दो कंडीशंस आ जाते हैं। क्या कंडीशंस आ जाते हैं, इसमें जब घूमे, ठीक है, जब त का प्रयोग करना हो वक्र वाले व्यंजन में तो हम घुमा के इसमें हल्का सा निकाल देते हैं। ठीक है, तब ये इसको पढ़ते हैं हम लोग म और त।
ठीक है, जैसे हमको लिखना है नत, तो कैसे लिखेंगे, न और त, ये हल्का सा निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखना है सत, तो कैसे लिखेंगे, स और त, सत, ठीक है। कंडीशन नंबर एक कि इसमें आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। कंडीशन नंबर दो कि मान लीजिए जब आप यहां निकाल लेते हैं तो इसके आगे आपको कोई व्यंजन ऐड करना बनेगा, जैसे मत लिखते हैं, म और त लिख दिए, तो इसमें फिर हमको मान लीजिए वा लिखना होगा, तो ऐसे लिखना होगा, तो ये कैसे दिख रहा है आपको, सूट कर रहा है। अगर फास्ट में हमको लिखना होगा स्पीड में, तो क्या आप ऐसे बना के ऐसे करके फिर ऐसे करिएगा, कितना टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको जब लास्ट में त आ जाए, त आंकड़ा का प्रयोग यदि कर रहे हैं तो उसके बाद कोई व्यंजन आपको लिखना नहीं है। नहीं समझ में आया, देखिए पहला कंडीशन तो ये था कि इसमें हल्का सा घुमा देना है, दूसरा कंडीशन है जब घूम जाए तो उसके आगे हम किसी भी व्यंजन को ऐड नहीं करेंगे, बस नई चीज आपको याद करके रखना है कि वक्र वाले व्यंजन में जब त आंकड़े का प्रयोग करना हो तो सबसे पहला कंडीशन कि उसको घुमा देंगे, और जब घूम जाए तो उसके आगे कोई भी व्यंजन यूज नहीं करेंगे। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर जी यदि अगर बीच में त आ जाए, आगे व्यंजन रहे, तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया नतन, तो बीच में त आ गया, तो हम नतन हमको लिखना है, तो न लिख दिए और इसमें त लगा दिए, आगे भी हमको न यूज करना है तो क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, क्या करना है, न लिखना है, फिर त लिखना है, और फिर इसमें म लिख के काट के न बना देना है। मतलब कि जब बीच में आ जाए तो पूरा पूरा उपयोग करेंगे। वक्र वाले की बात कर रहे हैं हम, ये सब की नहीं, ये सब की तो आपको बीच में आ रहा है तो क्या, हम लोग तो त लगा के इसमें र लगा देते थे, ठीक है। लेकिन वक्र वाले में कंडीशन दो आ जाते हैं, क्या हमारे पास, कि एक तो ये घुमा के थोड़ा सा इधर निकालना पड़ता है, और दूसरा इसके बाद कोई व्यंजन ऐड नहीं होगा वक्र वाले में। ये तीन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज है, ठीक है। लेकिन वक्र वाले में दो कंडीशंस आ जाते हैं कि घुमाना है और आगे कोई व्यंजन ऐड नहीं करना है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं कुछ एग्जांपल देख लें ताकि हमको कुछ समझ में आ जाए। जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए जतन, ठीक है, कताम, कतीना, हम अपने से वर्ड बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, पतौना, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं खाता, खाती, खाते, हंसता, हंसती, हंसते, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए तब तक इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है क्या, जतन, तो ज लिखे ऊपर से नीचे, इसका डायरेक्शन कहाँ था, दया साइड, तो इसमें त लगा दिए, फिर इसमें न लगा दिए, तो क्या बन गया, जतन, ठीक है। अब लिखना है कताम, तो क लिखे इसमें बीच में तो हम लोग लगा देंगे, तो क्या बन गया, क त और म, क त म तो बन गया, लेकिन त में आ की मात्रा लगी हुई है फर्स्ट स्थान की। तो स में हम लोग क्या पढ़े थे, जब स को बीच में हम लोग आंकड़ा बनाते थे तो उसमें कोई भी अगर मात्रा आती थी, ता हो चाहे जो भी हो, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग में जाकर लग जाता था। वही कंडीशन सिर्फ इसमें भी अप्लाई करना है। क्या करना है आपको, कि जब त पर क्या आ गया, आ की मात्रा आ गई, तो आगे वाले व्यंजन जो म है, ठीक है, जो म है, म के बाहरी भाग पर पहले स्थान पर जाकर लग जाएगी, ठीक है। अब जैसे लिखना है कतीना, क लिखे, त लिखे, फिर न लिखे,
तो क तो ठीक है, त तो में क्या आ गई ई की मात्रा, ई की मात्रा, तो ई की मात्रा कहां लेगी, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के तीसरे स्थान पर, पति ना पताओ ना, ठीक है। तो प लिखे त और फिर न, न में आ लगा देते हैं, तो त में क्या है ए की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले व्यंजन के पहला स्थान पर, आपको पता है कि ए की कहां लगता है फर्स्ट स्थान पर, तो आगे वाले व्यंजन के पहला स्थान पर लगा देंगे, जो स में अप्लाई करते थे रूल वही हम लोग त में करेंगे। अब खाता खाती खाते, ठीक है। और कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जो आपको जैसे मान लीजिए हमको लिखना है म मतीना, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया आपका, बीच में आ रहा है वक्र वाले में, आपको पता है वक्र वाला जब व्यंजन हम लिखेंगे म, इसमें अगर त का लगा देंगे तो आगे हम न नहीं ऐड कर पाएंगे, तो क्या करेंगे हम इसमें म लिखें, पूरा लिखेंगे त और फिर न के लिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पूरा पूरा यूज करेंगे। म तो हो गया, त त में क्या है ई की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा दिए, तो म ती और न में आ की मात्रा, तो आ की मात्रा यहां लगा दिए, तो क्या हो गया मतीना, खाता खाती खाते, ठीक है। तो जैसे हमको लिखना है राम आम खाता है, तो क्या लिखेंगे र म, राम हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है उसको मैनेज करिएगा, राम आम, आम खाता है, ठीक है, ख हो गया अत, तो यदि राम आम खाता है तो त तो में आपके दिमाग में आता होगा कि त तो में आ रहा है आ की मात्रा, अगर लास्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं आंकड़ा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, आंकड़ा बना देते हैं त का, तो कैसे पता चलेगा कि ता है कि ती है कि ते है, तो ये हम लोग को सेंटेंस से समझना होगा। जैसे हम लिखे राम आम खाता है, तो क्या आप खाता के जगह पर खाती रख के देखिए, राम आम खाती है सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, वही रहता सीता आम खाती है तो सूट करता, आप ऐसे भी लिखिएगा तो क्या पढ़िएगा खाती, खाता तो पढ़िएगा नहीं, वेल आम खाता है सूट करता है नहीं, वे आम खाते हैं, मतलब आपको त का आंकड़ा के लास्ट में लगाते हैं, त का आंकड़ा लास्ट में लगाते हैं, उसी से हम लोग ता ती ते सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, सेंटेंस से हम लोग अपना समझ लेंगे कि यहाँ खाता होगा कि खाती होगा कि खाते होगा। उसी प्रकार से हंसता हंसती हंसते का है, जैसे वह हंसता है तो ठीक है, वह हंसते हैं तो नहीं होगा, वे हंसते हैं तब हो जाएगा, सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हंसता है कि हंसती है कि हंसते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये त का आंकड़ा जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें दो चीज आपको क्लियर कर लेना है, क्या कि सबसे पहले तो ये शुरू में लगेगा नहीं, अंत में लगेगा, बीच में लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चार पार्ट में इसको बांटे थे, फर्स्ट में कवर, उसके बाद में जो ऊपर में जाता है 180 पर, जो ऊपर में जाता है वो नीचे में जाता है, वक्र वाला होता है, जो ऊपर में जाता है उसके ऊपर, जो 180 पर जाता है उसके ऊपर में लगता है, जो ऊपर जिसका डायरेक्शन है उसके बाएं साइड में, जो नीचे हो उसके दाएं साइड में, और वक्र वाले में जिधर घूमे उधर घुमा देना है, और घुमाते समय थोड़ा सा निकाल देना है, कंडीशन एक। कंडीशन दो कि यदि ये घूम जाए तो उसके आगे हम लोग कोई व्यंजन का यूज नहीं करेंगे, बस। और उसके बाद ये स वाला था कि आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर सब मात्रा जाकर लग जाएगी, ठीक है। और ये लास्ट में यदि लगा रहे हैं आंकड़ा तो सेंटेंस से पकड़ लेंगे कि ता होगा कि ती होगा कि ते होगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर आपको एक्सरसाइज नंबर 26 एंड 27 क्या करना है, सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। चलिए खत्म करते हैं हम लोग आंकड़े का प्रयोग, अगले क्लास में मिलते हैं, आप लोग तब तक बना के भेजने का प्रयास करेंगे।